नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेस्ट फैक्ट फेयर। दोस्तों आज एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, कैंडिडेट सेंटर से बाहर निकलेंगे, उनसे सवाल पूछेंगे। कैसा सवाल पूछे जा रहे हैं? कैसा पेपर हुआ? बढ़िया पेपर था। पहली बार एमटीएस का पेपर दे रहे हैं? नहीं, सेकंड टाइम। कितना अटेम्प्ट किया? 25। जीके का कैसा क्वेश्चन था? जीके से मॉडरेट क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन ध्यान में हो? क्या चीज? कोई क्वेश्चन याद हो आपको? वो रोहित शर्मा से रिलेटेड था, क्रिकेट से था, एक द्री उत्सव करके था और फिर एक स्प्रिंग एंड बॉल से था। स्पोर्ट्स से कितने क्वेश्चन होंगे? स्पोर्ट्स से एक क्वेश्चन था। और क्या क्या क्वेश्चन थे? क्रिकेट वगैरह से संबंधित कोई? क्रिकेट से एक क्वेश्चन था। उसके बाद फिर फुटबॉल का कोई क्वेश्चन? नहीं, फुटबॉल से एक भी क्वेश्चन नहीं था। और बताइए कि कैसे क्वेश्चन थे? पार्लियामेंट वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह से संबंधित कोई सवाल? कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा से नहीं, वो इससे था, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट से था कि अपना गवर्नमेंट कितने लेवल पे, वो क्वेश्चन एक था। आइए ना इधर आइए ना। और बताइए कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एसएससी से? सोशल स्टडीज से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिला, पॉलिटी साइंस से? हिस्ट्री से बस एक ही क्वेश्चन देखने को मिला। क्या था क्वेश्चन? ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन था? एक और था, वो महात्मा गांधी सभी दांडी यात्रा के बाद कौन सा चालू हुआ? दांडी मार्च का। इसके बाद कौन सा आंदोलन चालू किया? सत्याग्रह से संबंधित कोई सवाल? सत्याग्रह मैप से बहुत था। मैप से कितने क्वेश्चन होंगे? क्वेश्चन मैप से था। क्वेश्चन ध्यान में हो? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बीच में कौन सा महासागर है, वो अलग था। और जो अभी सारे रिवर झरना ये सब? नहीं, ये सब नहीं था। रिवर सब झरना और नहीं था। और बताइए और क्या था? जानकी प्रसाद से। जानकी प्रसाद किस ग्रहण से थी? और कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग मेरा तो फुल अटेम्प्ट है। और जो इंग्लिश का बता सकता हूँ डिटेल में? हाँ, इंग्लिश का बताइए कैसा था? 1/3 आया था, एकदम बेस्ट। 2 & 2 आया था, 2 & 1 आया था, 2 sin आया था, 2 कॉमन एरर वाले क्वेश्चन होंगे? कॉमन बहुत इजी थे, 3 था, एकदम कॉमनली इजीली बन गया। जब 1 word substitution कितने होंगे? 3 था, बहुत आसान। पैराग्राफ वाले क्वेश्चन? पैराग्राफ थोड़ा लेंदी थे, फर्स्ट जो 2 क्वेश्चन था ना बैक टू बैक, तो आसान थे, उसके बाद 3 बहुत लेंदी था। 1 & 3 यादव है जो मास्क खाता है, करने वाला वैसा ही था इंग्लिश में, उसके बाद थोड़ा बोलिए। और बताइए कि साइंस का कैसा क्वेश्चन था? बायोलॉजी का क्वेश्चन था। साइंस में पूछा था कि साइंस में हमको एक बायोलॉजी क्वेश्चन दिखाई, एक क्वेश्चन दिखा हमको बायोलॉजी से। क्या क्वेश्चन था? शायद उतना क्वेश्चन मुझे याद नहीं आ रहा है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन याद है या फिर फिजिक्स का? उसका लाइफ पेज कुछ ऐसा ही आंसर होगा बायोलॉजी वाला का। अच्छा। शायद हमको ये इतना एंजाइम से संबंधित सवाल थे, है ना? अच्छा। और हार्मोन से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, हार्मोन से कोई क्वेश्चन नहीं था। डिजीज डिसऑर्डर से संबंधित सवाल, कोई बीमारी से संबंधित सवाल? नहीं, बीमारी से भी कोई नहीं था। प्लांट के क्वेश्चन ज्यादा थे या फिर एनिमल से क्वेश्चन थे? एनिमल का एक दिखा, प्लांट से मुझे कोई नहीं दिखा। ऑल ओवर पेपर कैसा रहा? ओवरऑल ठीक रहा, मेरा अटेम्प्ट लगभग 42 मैंने राइट होना चाहिए मेरे अनुसार। उनकी जैसा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, ये थी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अभी जो लाइन देख रहे हैं वो सेकंड शिफ्ट के लिए लाइन लगी, अभी फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हुआ है। तो और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।